देखो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में होने वाले आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के तीसरे मैच के बारे में दो मैच ऑलरेडी हो चुके हैं आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल पर ऊपर ही ऊपर बैठे हैं अब मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला ये वाला होने वाला है और क्यों होने वाला इंटरेस्टिंग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन में आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा वीडियो को एक बार के लिए बस इतनी बात मेरी मान लेना कि स्किप मत करना अगर आपने वीडियो को बिना स्किप कर लिए करते हुए देख लिया और टीम बना ली तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप दस कॉन्टेस्ट लगाते हो तो नौ में आपकी जीत पक्की है खेल देखो ये वाला जो मैच है ये वाला उसी ये वाला मैच उसी मैदान में खेला जाएगा जहां पर पहला मैच खेला गया था पहला मैच आरसीबी और एमआई के बीच में जो हुआ था वो खेला गया था अपने एमएच चिदम्बरम स्टेडियम यानी कि अपना चेपक स्टेडियम जिसे हम प्यार से बुलाते हैं अपने चेन्नई के अंदर है ठीक है वहां पर ही ये वाला मैच खेला जाएगा अब मजे की बात यह है कि जो पहला मैच हुआ था ना आरसीबी और एमआई के बीच में उसके उस टाइम पर अपने को चेपक स्टेडियम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था लेकिन वो जब मैच हो चुका है तो अपने को चेपक स्टेडियम के बारे में पता चल गया है कि इस टाइम पर इस पर्टिकुलर टाइम पर चेपक स्टेडियम कैसा बिहेव कर रहा है तो वो अपने लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है खेर ये वाला मैच है वो उसी टाइम पर खेला जाएगा साढ़े बजे इंडियन स्टेड टाइम भी आपको पता है ये सिर्फ एक फालतू की इन्फॉर्मेशन थी तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि ये वाला मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है क्यों होने वाला है चलो वो भी बताएंगे यार बहुत कुछ बातें हैं बताने के लिए एक तो दिमाग में एक तरीके से मैं उन्हें सीक्वेंस नहीं कर पाता फिर देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं चेपक स्टेडियम की बात कर लेते हैं ठीक है नहीं तो मैं भूल जाऊंगा ये बताना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला मैच आपने जब देखा होगा तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला था वो प्रेडिक्शन एकदम सही थी कि ये वाला जो पिच है ये वाला जो स्टेडियम है ये एकदम बैलेंस है तो मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है कि स्पिनर सॉरी स्पिनर को थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर जरूर मिलेगा लेकिन फर्स्ट मैच में आपने देखा होगा कि स्पिनर जैसे कि अपने युजवेंद्र चैल हो गए वो थोड़े एक्सपेंसिव थे जबकि पेसर्स ने यहा पर विकेट चमकाए थे तो वो अब आप भूल जाना कि स्पिनर या पेसर्स को सपोर्ट मिलेगा एक तरीके से ऐसा कह सकता हूँ बैलेंस पिच है बोलर्स को भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितने बैट्समैन को मिलेगा तो एक तरीके से एकदम बैलेंस पिच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है दूसरी बात एवरेज स्कोर कुछ भी 160 से ज्यादा अगर 160 से ज्यादा टीम ने बना दिए तो दी मान लो कि चेस करना मुश्किल होने वाला है क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे पिच जो है वो थोड़ा स्लो रहने वाली है लेकिन फिर भी आई थिंक कि टीम जो है वो चेस करने का ही फैसला करेगी अगर टॉस जीत जाती है क्योंकि वो उन्हें एक एडवांटेज देता है कि वो स्टेडियम को सॉरी पिच को अच्छे से जान जाते हैं चलो अब अगर स्टेडियम की बात चल ही रही है तो एक बात मैं फटाफट स्टेडियम से रिलेटेड ही बता देता हूँ कि जो पिछले नौ मैच यहां पर खेले गए हैं पिछले नाइन मैचेस की बात कर रहा हूं जो अपने चेपक स्टेडियम में खेले गए हैं वहां पर चेसिंग टीम ने पांच बार विन किया है और जिस टीम ने पहले बैटिंग बेट, की है उसने चार बार विन किया है चार बार बैटिंग करने वाली ने और पांच बार पहले बॉलिंग करने वाली है ठीक है पिछले नौ मैच का कुछ ये स्टेट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कोई ज्यादा वो नहीं है खास फर्क देखो पांच और चार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम बैलेंस पिच यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोई ज्यादा खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा अब एक बार बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग मैच के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाला जो मैच है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है देखो ऊपर तो क्या बताऊंगा नीचे आ जाओ एक बार ठीक है एसआरएच वर्सेज के के आर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज के के आर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स इन दोनों में से बेटर टीम कौन सी है गेस करो दोनों अच्छी टीम है इसलिए आईपीएल की टीम है सुनो एसआरएच की टीम पिछले शायद पांच साल से लगातार आईपीएल के प्ले ऑफ यानी कि टॉप फोर टीम में अपनी जगह बना रही है रेगुलरली जबकि के के आर जो है पिछले दो साल से अपनी प्ले ऑफ में जगह नहीं बना पा रही है ये बात ठीक है तो इस बात से क्या प्रूफ होता है प्रूफ ये हो रहा है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद जो है केकेआर से बेटर टीम है तभी प्लेऑफ में जा रही है बट यहीं पे आ जाता है एक ट्विस्ट भाई ट्विस्ट नहीं आएगा तो आईपीएल में मजा कैसे आएगा देखो ट्विस्ट क्या आ रहा है ट्विस्ट ये आ रहा है कि इन दोनों की अगर मैं कंपेरिजन करूं सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स तो कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ी बेटर टीम है पिछले कुछ सालों में कैसे भाई देखो इंडिविजुअल अगर मैं इनकी बात करूं तो इंडिविजुअली सनराइजर्स हैदराबाद बेटर है लेकिन जहां बात आ जाती है इन दोनों के आपस में कंपटीशन की तो कोलकाता नाइट राइडर्स बेटर है अब आप सोच रहे होगी पागल पागल हो गया क्या बातें कर रहा है देखो मैं आपको बताता हूं सनराइजर्स हैदराबाद के अगर मैं बात करूं पिछले पांच मैच के जो इन्होंने आईपीएल दो में खेले ठीक है पांच मैच पांच मैच में से चार मैच इन्होंने जीते और एक मैच ये हार गए ठीक है अच्छे स्टेट है चार मैच जीत का एक मैच हार गए पांच में से कोई भी दिक्कत नहीं है बात करूँ अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की जो इन्होंने पांच मैच खेले आईपीएल 2020 में उनमें से मात्र दो मैच जीते और तीन मैच हारे तो ये तो गलत बात है भाई केके आर तो आ, अच्छी टीम नहीं आई वही मैं बोल रहा था अगर इंडिविजुअली बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद इज ए बेटर टीम बट अगर मैं बात कर लू इन दोनों की आ, आमने सामने की तो देखो हर आईपीएल सीजन में हर टीम कम से कम भी दो बार आमने सामने होती है वही हुआ था पिछले सीजन भी सनराइजर्स हैदराबाद और केके के आपस में दो बार खेली थी दोनों बार केके जीती थी ठीक है लास्ट ईयर ये सीन रहा था दोनों के केकेआर जीती थी तो भाई केकेआर का पलड़ा तो भारी है या फिर तुक्का लग गया पिछले सीजन में ऐसा भी हो सकता है तुक्का लग गया हो लेकिन नहीं लगा देखो अगर मैं बात करू एसआर वर्सेज केकेआर आर की एस आर एच वर्सेज के के आर की तो आईपीएल के ओल्ड टाइम में ये शायद 19 टाइम्स आमने सामने हुई है 19 बार इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है जिसमें से 12 बार के के आर जीती है और मात्र सात बार एस आर एच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद जीती है ऑल इन ऑल अगर दोनों का सामना होता है तो के के आर के जीतने के चांसेस हमेशा से ज्यादा है क्योंकि हमेशा से जीतती आ रही है बाकी सनराइजर्स हैदराबाद इंडिविजुअली एक अच्छी टीम है क्योंकि बाकी सब टीम्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है जबकि केके आर -के की खराब रहती है अब बात यह है अब कंफ्यूजन ये है कि इस सीजन कुछ अलग होगा कि नहीं होगा चेपक स्टेडियम है अब बात करते हैं कि चेपक स्टेडियम में देखो बात आता है प्लेयर्स के बारे में कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे उसकी चिंता मत करो लेकिन फिलहाल में तो मेरे को यह बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सनराइजर्स हैदराबाद या के कौन सी टीम जो है बाजी मारने वाली है ये बात तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके ही सकते हो बाकी कमेंट सेक्शन की जहां बात आ गई तो यार अनाउंस कर देते हैं पिछले वीडियो के अपने गिव अवे विनर्स है ना कर अनाउंस एकदम अच्छा टाइम है देखो गिव अवे विनर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पांच गिव अवे विनर्स जो है इस बार चुने गए हैं क्योंकि पांच ही चुनने थे और पांच ही लोगों ने एकदम सही जवाब दिया था अपना क्वेश्चन था कि कौन सी टीम जीतेगी डेली ने जीता डेली के जवाब थे कौन कौन हाईएस्ट स्कोर बनाएगा दोनों टीम से और अपने रूल से एकदम सिंपल थे होना चाहिए साढ़े सात से पहले होना चाहिए ब्ला ब्लाब्ला ठीक -ब्ला, है तो वो सारे रूल्स इन्होंने फॉलो किए हमारे चैनल के मेंबर भी थे ये पांचों के पांचों इसलिए इन पांचों को इनाम मिल चुका है इन पांचों को ऑलरेडी हमारे चैनल की तरफ से रिप्लाई जा चुका है पांचों को यानी कि मुजाहिद शेख नियामत चौधरी सागर कारवार सुमित कुमार एंड नेट बेट पांचों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन पांचों को आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखो यार जाके आपको हमारे चैनल की तरफ से एक रिप्लाई ऑलरेडी आ गया होगा वहां पर आपसे फोन पे, पे पेटीएम या गूगल पे जैसे भी आप अपना पेमेंट रिसीव करना चाहो वैसे ही आप अपना नंबर वहां पर प्रोवाइड करवा सकते हो विद इन फोर्टी आवर्स आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा थोड़ा सा टाइम लगता है तो फोर्टी आवर्स का वेट जरूर करना बाकी अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मैच के बारे में तो यार इस वीडियो में भी सेम सवाल सेम गिव अवे सेम एवरीथिंग सेम सवाल क्या है कि वो ही है कि अपने एस आर एच और केके आर में कौन सी टीम जीतेगी ये बताना है आपको और एसआरएच की तरफ से हाइएस्ट रन स्कोर कौन रहेगा और केके आर की टीम की तरफ से हाइएस्ट रन स्कोर कौन रहेगा रूल्स अपने जो पिछले मैच में थे वो ही रहेंगे एक बार मैं यहाँ पर नोटिफाई कर देता हूँ एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन खोल के गिव अवे के रूल्स आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं ठीक है रूल्स एकदम सिंपल है कि आपका जो कॉमेंट है वो साढ़े सात बजे से पहले का होना चाहिए आपका कॉमेंट जो है वो एडिटेड नहीं होना चाहिए अगर आपका कॉमेंट एडिटेड है तो वो डिस्कालीफाई ऑलरेडी हो चुका है तीसरा आप हमारे चैनल के एक मेंबर होने चाहिए या फिर सब्सक्राइबर होने चाहिए ठीक है ऑफकोर्स यार अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ही नहीं हो तो मैं आपको फालतू में पैसे नहीं दूंगा तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है चौथी बात आपको जो है अपने कमेंट में आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं लिखना है ठीक है ये आप ही के भले के लिए है अगर आप गिव अवे जीत जाते हो तो आपको हमारी चैनल की तरफ से रिप्लाई मिलेगा जैसे अभी इन पांचों को मिला है और वहां पर आपसे आपके फोन पे या जो भी नंबर है वो आपसे मांग लिए जाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए आपको मोबाइल नंबर या ई मेल अपने कॉमेंट सेक्शन में नहीं है। ठीक है ये कुछ अपने सिंपल सिंपल रूल है बाकी जो भी रूल्स हैं वो सारे में डिस्क्रिप्शन में एक बार लिख दूंगा आपको वहां से ताकि चेक कर लेना और गिवर में यार आपका क्या जा रहा है, तुक्का ही तो है। अगर आप जीत गए किस्मत से भी तो आपको हमारी तरफ से फ्री में प्राइज दिया जाएगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के सारे स्टेप्स मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी पिच न्यूज आपको ऑलरेडी बता दी है कि पिच कैसा बिहेव कर सकता है है ठीक कितने बार चेस करने वाली टीम ने विन किया है कितनी बार हारी है क्या क्या यहाँ पर एवरेज को रह सकता है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है टीम न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों टीम्स में जब अपना सामना हुआ है तो क्या सीन रहा है दोनों टीम्स ने पिछले सीजन में क्या परफॉर्म किया है दोनों टीम कैसी है क्या है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों गिव अवे में आपको पार्ट ले लेना है वो मैंने आपको बता दिया है अब आगे मैं अपने एक्सपेक्टेड प्लेइंग लेवल इस मैच में आपको खेलते हुए दिख सकती है उसके बारे में बताऊंगा उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर Grand लीग में कौन सा ट्रम्प प्लेयर है वो सब भी आगे आपको वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर हम दोस्तों प्लेयर बैटल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर बैटल आपको इस मैच में देखने को मिल सकते हैं और लास्ट में आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाके मैं आपको अपनी टीम की टीम्स बना के दिखा दूंगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की लेकिन ये वाली जो टीम है ये फाइनल नहीं रहेंगी ये सिर्फ डेमो टीम रहेंगी क्योंकि टॉस होने तक टीम में कुछ भी चेंजेस

मैं आपके लिए फ्री के गिव अवेज और ऑफर्स भी लाते रहता हूं जो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट करवाएंगे ही करवाएंगे बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाएंगे तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो यार आपका मोस्ट वेलकम है जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसकी जो फ्री लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है ठीक है आप वहां से जाके हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल फेंटेसी सपोर्ट को एकदम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो तो दोस्तों बात कर लेते हैं यार एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की तो वो आपके अभी एकदम स्क्रीन के सामने है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखने में अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं तो सबसे पहले डेविड वोर्नर जो आपको हो सकता है ओपनिंग करते हुए दिख जाए फिर जोनी बेस्टो अब देखो जोनी बेस्टो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है रीजन ये है कि जोनी बेस्टो की जगह ओपनिंग और किसे करवा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ वृद्धमान शाह याद है कि आईपीएल दो में बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी वृद्धमान शाह की इसलिए मेरे को लगता है कि जोनी बेस्टो की जगह उन्हें भी ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है और अगर वो ओपनिंग करते हैं तो

मोहम्मद नबी आ आ सकते हैं जोनी सहा जाते हैं। का सकते हैं 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 अगर बेस्टो की जगह शाह जाते गर्ग आई थिंक खेलेंगे अब्दुल खेल राशिद राशीद खानस ओवरसीज है लेकिन खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार टी नटराजन और संदीप शर्मा यह है एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद वही बात कर लेते हैं अगर अपन कोलकाता नाइट राइडर्स आ, की तो शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे राहुल त्रिपाठी इनका साथ देंगे फिर नीतीश राणा Uh, कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ठीक है उसे याद रखना ओन मोरकन जो कि कप्तानी करेंगे दिनेश कार्तिक जो विकेट कीपर संभालेंगे शाकिब अल हसन और सुनील नरेन में से कोई एक खेलेंगे क्योंकि दोनों ही ऑलराउंडर हैं दोनों ही स्पिनर हैं दोनों ही अच्छे हैं मेरे को लगता है कि शाकिब अल हसन को इस बार मौका दिया जाएगा बाकी देखते हैं वो तो डिसीजन आने पर टॉस के बाद पता चलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा आंध्र रसल जिनका पिछला जो सीजन था दो का वो खराब रहा था लेकिन इस बार उनसे उम्मीदें बड़ी है पेट कम इन्स कोर्स खेलते

देखो नंबर वन पर नाम आ जाता है इम्पोर्टेंट प्लेयर्स में डेविड वोर्नर का अब मैंने इसे नंबर वन पर क्यों रखा रीजन यही है कि जहां पर बात आ जाती है मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ आईपीएल वहां पर नाम आ जाता है डेविड का तो ये आपके लिए डेफिनेटली सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहने वाले हैं देखो सिंस आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है दो के बाद हर सीजन में डेविड वोर्नर एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पांच से ज्यादा रन तो अपनी टीम के लिए बनाए ही बनाए हैं जिसमें से दो बा... बार शायद इन्होंने 600 प्लस का भी स्कोर किया है और एक बार तो इन्होंने 800 रन से भी ज़्यादा आईपीएल में बनाए हुए हैं अपनी टीम के लिए इसलिए बोलता हूँ रहने वाले हैं ठीक है फिर दूसरे नंबर पर नाम आ जाता है, के है शुभमन गिल का के के ओपनर पिछले देखो सबसे मेन बात तो ये है कि पिछला जो सीजन अभी आईपीएल दो का गया है कुछ ही महीनों पहले उसमें सनराइजर्स अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी सेवन प्लस इनका शायद स्कोर था जहां तक मेरे को याद है कन्फर्मेशन नहीं है ठीक है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ये अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद को वापस थोड़ी सी मात देंगे देखो बात यह शुभमन गिल की बैटिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना वो काफी प्यारी होती है ये अपने होश नहीं खोते ये जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में आउट नहीं होते ये आराम आराम से खेलते हैं मौका मिलते ही चौका मार देते हैं इसीलिए शुभमन गिल भी आपके लिए काफी शानदार जो है ऑप्शन uh, रहने वाले हैं अगर मैं इनकी बात करूं सुमन गिल की तो पिछले सीजन में इन्होंने 400 से ज्यादा रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया था जिसमें 30 प्लस का इनका एवरेज था हर मैच का जो कि एक काफी शानदार पारी आपके लिए खेल सकते हैं जोनी बेस्टो की यार अगर मैं बात करू तो ये अगर आ, अगर खेलते हैं तो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जहां तक मेरे को लगता है ठीक है पिछले सीजन में इन्होंने भी तीन के समथिंग रन अपनी टीम के लिए बनाए लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट ये है कि इनका भी एवरेज तीस प्लस का था जो की एक काफी बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप है अब मजे की बात यह है कि जोनी बेस्टो अभी आपको याद होगा इंग्लैंड की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट खेल के आए हैं अभी कुछ ही दिनों पहले और काफी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी आपको ये भी याद होगा शतक भी मारे थे ओडीआई में तो एक तरीके से ये आपके लिए काफी शानदार चॉइस रह सकते हैं क्योंकि ये बंदा अभी इन फॉर्म है ठीक है इसीलिए एक एडवांटेज है इनके पास कि ये बंदा रेड होट फॉर्म में काम कर सकता है अपना नीतीश राणा प्लेयर आपके लिए साबित हो सकते हैं Uh, कभी भी uh, एक ऐसा प्लेयर होता है ना मूडी प्लेयर कभी भी चल जाए कभी भी नहीं चले वो है नीतीश राणा इसलिए मैंने इन्हें बोला है कि ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं पिछले ही सीजन में uh, ये बंदा चला था 140 की स्ट्राइक रेट पे 140 की स्ट्राइक रेट कम नहीं होती है ये आपको ध्यान रखना चाहिए प्लस जब जरूरत पड़े तो ये बंदा बॉलिंग भी करवा सकता है ये बात भी ध्यान रखना बॉलिंग करते हुए अगर एक विकेट भी ले गया तो वो आपको देता है डायरेक्ट ट्वेंटी फाइव की काफी शानदार होते हैं ठीक है और पिछले सीजन में इन्होंने शायद थ्री फिफ्टी के समथिंग रन भी अपनी टीम के लिए बनाए थे जो कि काफी है। अब बात कर लेते शाकिब अल हसन की वापसी हो रही है आईपीएल में काफी अच्छी बात है शाकिब अल हसन इज वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया सॉरी इंडियन ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री ठीक है शाकिब अल हसन डेफिनेटली आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ पॉइंट देंगे मजे की बात यह है कि चेपक स्टेडियम है और चेपक स्टेडियम में जैसे ही uh, अपने पास कंफर्मेशन आती है कि स्पिनर को फ्रेंडली रहने वाला है ये कंफर्मेशन आता ही मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और शाकिब अल हसन आपके लिए टॉप पिक बन जाएंगे ठीक है बाकी और कौन से अपने पास टॉपिक हैं वो आपको अपने ड्रीम लोन ग्राउंड पे लेके बता दूंगा और और तो चलो यही है ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फ्री इन द डिस्क्रिप्शन तो आपको डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार इस वीडियो पर लाइक टारगेट आपके लिए मैंने रखा है पांच लाइक्स का इस बार तो कम्पलीट कर दो यार पांच लाइक कुछ ज्यादा नहीं है अगर आप सब लोग लाइक करो जिसमें मुश्किल से दो सेकंड लगते होंगे है ना दो सेकंड के अंदर अंदर वीडियो लाइक हो जाएगा आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा तो पांच हजार एक्स का आपके लिए लाइक टारगेट है आई होप कि कंप्लीट कर दो प्लस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो चैनल को करो सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है आपको पता है आप जब चाहो अनसब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन एक बार सब्सक्राइब करके देखो आई आई एम हंड्रेड श्योर कि आपको बेनिफिट होगा ही होगा अगर बेनिफिट नहीं होता है जस्ट केस तो आप अनसब्सक्राइब कर देना लेकिन फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करो सात दिन हमारे चैनल को आजमाओ आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा दोस्तों अब वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक बार कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में उसके बाद मैं आपको अपनी ड्रीम पर लेके जाके डेमो टीम्स बना के दिखा दूंगा लेकिन प्लेयर बैटल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं तो इस इसलिए मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं सबसे पहला जो प्लेयर बैटल है वो है वॉर्नर का अब वॉर्नर कंसिस्टेंट कं, प्लेयर तो है लेकिन कहीं ना कहीं हरभजन सिंह के सामने हरभजन सिंह के सामने कहीं ना कहीं मात खाते हुए देखे गए अब इसीलिए देखो मैंने आपको अभी एक्सपेक्टेड प्लेइंग दिखाई उसमें वरुण चक्रवर्ती को भी मैं तो शामिल कर सकता था करता था है ना लेकिन मैंने हरभजन सिंह को शामिल किया क्योंकि मेरे को लग रहा है इनके खेलने के चांसेस ज्यादा हैं जस्ट बिकॉज़ uh, क्योंकि इनका प्लेयर बैटल एसआरएच की टीम के अगेंस्ट काफी शानदार है देखो मैं आपको बता देता हूँ वार्नर uh, ने हरभजन सिंह की अराउंड 94 बॉल्स खेली हैं जिसमें uh, इन्होंने बनाए लगभग 112 रन तो चलो यार 100 प्लस की स्ट्राइक रेट ठीक है, है लेकिन चार बार अपना विकेट हरभजन सिंह को डेविड वॉर्नर गवा चुके हैं तो ये बात आपको नहीं भूलनी है कि वन ऑफ दी कंसिस्टेंट प्लेयर को हरभजन सिंह चार बार आउट कर चुके हैं दूसरा अगर मैं प्लेयर बेटल की बात करूं तो वो आता है मनीष पांडे अब ये भी जो है एसआरएच के हैं और इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है किससे हरभजन सिंह से इसलिए हरभजन सिंह आपके लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट पिक इस मैच में, में बन जाते हैं देखो इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने खेली है हरभजन सिंह की अराउंड सेवेंटी फाइव बोल जिसमें इन्होंने बनाए अराउंड एट्टी फाइव रन चलो ठीक है लेकिन चार बार ये भी, भी अपना विकेट हरभजन सिंह को गंवा चुके हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं ठीक है अब एक और जो है इंपोर्टेंट प्लेयर बैटल शाकिब अल हसन शाकिब अल हसन के बारे में मैंने आपको बताया वर्सेज मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी का कंफर्मेशन नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे लेकिन अगर खेल लेते हैं तो आइए अपना कुछ जा तोड़ ही रहा है एक बार प्लेयर बैटल आपको बताना है वो बता देता हूँ कि ट्वेंटी बॉल जो है शाकिब अल हसन ने मोहम्मद नबी की खेली हैं, जिनमें इन्होंने बनाए मात्र 18 रन 29 बॉल में 18 रन मतलब स्ट्रगल तो कर रहे हैं अब देखो 29 बॉल में तीन बार अपना विकेट नबी को गवा चुके हैं अब सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर शाकिब अल हसन खेलते हैं और अगर मोहम्मद नबी खेलते हैं दोनों खेलते हैं तो ऐसा मान लो कि ये तो कंफर्मेशन ही हो गया कि नबी जो है शाकिब अल हसन का विकेट लेंगे ठीक है क्योंकि यार ट्वेंटी नाइन बॉल में मात्र अठारह रन बनाए हैं और तीन बार अपना विकेट गवाया तो ये कोई कोई नहीं है शाकिब अल हसन स्ट्रगल करते ही करते हैं नबी के सामने एक और जो है मैं आपको प्लेयर बेटल फटाफट से बता देता हूँ दिनेश कार्तिक वर्षेद अपना राशिद खान ठीक है इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो राशिद खान को अपनी टीम में पिक करना ही करना है क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट बोलर है ये लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ देखो इन्होंने खेली है अराउंड ट्वेंटी सिक्स बार अपना विकेट राशिद खान को गवा चुके हैं तो बस इतना सा प्लेयर बैटल था ये आपको याद रखना है बाकी अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाके अपनी डेमो टीम्स बना के दिखा देता हूँ लेकिन एक बार वापस आपसे वो ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को अभी तक लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर देना पांच हजार लाइक का आपके लिए टारगेट रखा है प्लस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा अपना सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में होने वाला अपने आई का तीसरा मैच ठीक है जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिटरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बता दी है प्लेयर बेटल से लेके आपको पिच न्यूज़ तक सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लेकिन आगे भी चिंता मत करो डेमो टीम तो बनाएंगे ही बनाएंगे लेकिन और भी कोई एडिशनल इन्फॉमेशन और ट्रम्प प्लेयर ग्रैंड लीग टीम वगैरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आगे वीडियो में कवर करना अभी बाकी हैं लेकिन यार अपनी जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल फेंटेसिस सपोर्ट पर जिसकी जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है आप वहाँ से जाके इसे एकदम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो यार एक लाख छियासी हज़ार के समथिंग जो लोग हैं वो हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और डेली हमारी टीम्स का फ्री में फ़ायदा उठा रहे हैं डेली में यहाँ पर ऑफ़र्स आपके लिए पोस्ट करता हूँ जो आपको बेनिफिट करवाते हैं और अपन हर एक दो दिन में यहाँ पर आपके लिए गिवअपेज भी करते रहते हैं कल भी तीन चार तीन गिवअपेज शायद अपन ने किए थे आज भी एक छोटा सा फ्री कॉन्टेस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर पोस्ट किया था तो मतलब ऐसा होता रहता है यहाँ पर ठीक है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी फ्री टीम के साथ फ्री ऑफर फ्री गिव अवेज सब कुछ आपको यहीं मिलेगा इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है आप वहाँ से जाकर इसे एकदम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो खैर दोस्तों बात करें अगर हम अपनी टीम की तो यार देखो विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास ले दे के सिर्फ तीन ऑप्शन है जोनी बेस्टो दिनेश कार्तिक विद्धिमान साहा अब मजे की बात यह है कि हो सकता है कि ये तीनों के तीनों नहीं खेले दिनेश कार्तिक तो खेलेंगे जोनी बेस्टो और अपने विद्धिमान साहा में से कोई एक खेलेगा कौन खेलेगा उसकी कंफर्मेशन टोस के टाइम अपने को पता चलेगी ठीक है जैसे ही कंफर्मेशन आती है वो आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी अब जॉनी बेस्ट और विरिदमान साहब में से जो भी खेलेगा वो ओपनिंग करेगा ये भी कंफर्म है दोनों ही शानदार हैं तो जो भी खेलेगा उनसे अपनी टीम में रखना है ठीक है बिल्कुल रखना है अगर जस्ट इन केस ऐसे मान लो कोई चमत्कार हो जाए दोनों ही खेलने लग जाए जो मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है लेकिन फिर भी अगर दोनों ही खेलने लग जाए तो क्या करोगे तो फिर दोनों को अपनी टीम में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है दोनों शानदार हैं दोनों को अपनी टीम में रख लेना है ठीक है फिलहाल के लिए अपने पास कन्फर्मेशन नहीं है तो किसी को भी अपनी टीम में रख लो चाहे व्रिदमान साह चाहे जोनी बेस्ट हो दिनेश कार्तिक को फिलहाल के लिए मैं अपनी स्मॉली की टीम में कंसिडर नहीं करूँगा ठीक है रीजन सिर्फ इतना सा है कि कोई रीज़न नहीं है मेरा मन नहीं है ठीक है बात करें देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ डेमो टीम है आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा दिनेश कार्तिक को मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा इसलिए ट्राई नहीं कर रहा ऑफकोर्स कि मेरा मन नहीं है इसलिए नहीं करूँगा ऐसा तो कुछ है नहीं है ना मेरे मन से मेरे आपका काम नहीं चलेगा इसलिए ट्राई नहीं कर रहा है असली रीज़न ये है कि ऐसा के जो बॉलर्स हैं ना वो काफ़ी शानदार हैं नटराजन राशिद खान उनमें से कोई ना कोई इसको ले गिरेगा मेरे को लग रहा है पूरा पक्का लग रहा है ठीक है इसलिए मैं दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा बुरा मत मानना थोड़ा सरकाजम जरूरी है वीडियो में Uh, बाकी uh, आप जोनी बेस्टो और वृद्धिमान शाह किसी एक को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो ठीक है तो फिलहाल के लिए आप कहो जिसे कर लेता हूँ मैं तो जोनी बेस्टो को कर लेता हूँ या वृद्धिमान शाह कर लेता किसी को भी कर लो है ना okay. फाइनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन की यार बैट्समैन सेक्शन की बात करने से पहले एक बार आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना लाइक टारगेट है आपके लिए पाँच लाइक्स का आई होप कि कंप्लीट कर दोगे यार आपके व्यूज़ आते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वो थोड़ा सा हेडफुल है लाइक करने में मैक्सिमम दो सेकंड लगते हैं आप कभी भी कर सकते हो तो आई होप कि यार लाइक कर दोगे बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपके लिए चैनल का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है खैर दोस्तों बात करें अगर यार अपन बैट्समैन सेक्शन की तो बैट्समैन सेक्शन में अपने पास ऑप्शन है डेविड वॉर्नर का डोवि डेविड वॉर्नर डेफिनेटली आपके पास एक अच्छे जो है इन्हें अपनी टीम में रखना ही रखना है ठीक है ओन मोर्गन अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो कोई वो नहीं है मनीष पांडे अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन हरभजन सिंह की तरफ से तो देखो डेविड वॉर्नर और मनीष पांडे दोनों को थोड़ी प्रॉब्लम है अगर हरभजन सिंह खेलते हैं तो ग्रैंड लीग की एक काफ़ी शानदार टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि दोनों को ड्रॉप कर देना डेविड वॉर्नर और मनीष पांडे और हरभजन सिंह को अपनी टीम में उठा लेना ये सिर्फ ग्रैंड लीग की टीम है स्मॉल लीग में लगा के मत बैठ जाना नीचे केन विलियमसन एकदम कंसिस्टेंट प्लेयर है आपको अपनी टीम में रखना है जैसन रॉय खेलने के चांसेस नहीं है शुभमन गिल ऑफकोर्स कंसिस्टेंट प्लेयर आपको अपनी टीम में रखना है नीतीश राणा ट्रंप प्लेयर अगर आप रखना चाहो रख सकते हो केदार जाधव नायर वगैरह वगैरह नीचे से कोई भी काम का नहीं है हां है ना कैसे नहीं है राहुल त्रिपाठी अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो ठीक है आठ क्रेडिट में कोई बुरा नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए डेविड वॉर्नर मनीष पांडे केन विलियमसन इन तीन शुभन गिल अपनी टीम में इन चार को तो अपनी टीम में मैंने ट्राई किया ही किया ठीक है बाकी और किसे करना है वो आगे बात करेंगे करूँगा तो यार मैं नीतीश राणा को और करूंगा बाकी वो आगे बात करेंगे अपन ठीक है ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं उससे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास मोटे मोटे तो तीन ही ऑप्शन हैं अन रसल शाकिब अल हसन और सुनील रनन अब इन दोनों में से कोई एक खेलेगा कौन खेलेगा उसी को अपनी टीम में उठा लूँगा ज़रूरी नहीं है कि दोनों सॉरी जरूरी, जरूरी है कि कोई एक ही खेलेगा तो जो भी खेलेगा उसे अपनी टीम में उठा लूँगा बाकी रसल को ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी टीम में रख ही रखूँ क्योंकि देखो आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी इनके लिए अच्छा सीजन नहीं था लेकिन वही बात है कि उसको पाँच महीने हो गए हैं रसल अपनी फॉर्म में हो सकता है वापस आ जाएँ इसलिए अपनी स्मॉली की टीम से ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की तो है है ना तो एक काम करते हैं शुरुआत के लिए इन दोनों को अपनी टीम में रख लेता हूँ ठीक है अगर शाकिब अल हसन नहीं खेलते हैं सुनील नरन खेलते हैं तो एक काम करूँगा हसन को ड्रॉप करके नरीन उठा लूँगा इतना सा चेंज करना है वो तो आप खुद भी कर लोगे बाकी मैं फाइनल टीम तो आपको बता ही रहा हूँ टेलीग्राम पर अब नीचे से देखो और ऑप्शन जेस होल्डर आई डोंट थिंक ही खेलेंगे मोहम्मद नबी आई डोंट थिंक ही खेलेंगे ए बेन कटिंग विजय शंकर विजय शंकर खेल सकते हैं अगर आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो बाकी नीचे से और कोई भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं है बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन तो राशिद खान ऑफकोर्स राशिद खान अपनी टीम में ट्राई करना है बिना किसी Uh, मैं कुछ बोल रहा हूँ बिना किसी सोच के ठीक है राशिद खान ऑफ कोर्स अपनी टीम में रखना है फिर नीचे से भुवनेश्वर कुमार अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो पेसर हैं पेट कमिंस uh, कोलकाता नाइट राइजर्स के लिए अच्छे ऑप्शन हैं संदीप शर्मा अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो अच्छे ऑप्शन हैं कुलदीप यादव आई डोंट थिंक ये खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा शानदार बॉलिंग करके आ रहे हैं इनको आई थिंक कि अपनी टीम में ट्राई कर लेना चाहिए नटराजन को अपनी टीम में ट्राई कर लेना चाहिए वरुण चक्रवर्ती आई डोंट थिंक कि खेलेंगे अब ऊपर से संदीप शर्मा को मैंने अपनी टीम में ट्राई कर लिया अच्छे ऑप्शन है साढ़े आठ क्रेडिट में अगर और कोई चेंजेस इस टीम में होंगे तो वो मैं आपको अपनी उस पर क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा लेकिन अब क्या चेंजेस कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ संदीप शर्मा को ड्रॉप करके आप यहाँ से नीतीश राणा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के रूप में लेकिन फिलहाल के लिए तो संदीप शर्मा के साथ जाना चाहूँगा एक विकेट भी ले लिया तो नीतीश राणा को तो काम ये कर देगा आई थिंक ठीक है एक विकेट लेते ही ट्वेंटी फाइव पॉइंट आते हैं मेरे को नहीं लगता कि नीतीश राणा ट्वेंटी फाइव पॉइंट दे जा पाएंगे दे भी सकते हैं प्लेयर साबित हो सकते हैं लेकिन बना रहे हैं अपन जब लीग की टीम तो क्यों फालतू में मेहनत करनी है ठीक है ये अपनी स्मॉल लीग की डेमो टीम है जिसमें ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा सनराइजर्स हैदराबाद जीत रही है तो देखते हैं क्या सीन रहता है बाकी ये अपनी स्मोली की टीम है ठीक है इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहो तो आप फ्री हो अपनी तरफ से कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो ठीक है आप प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो और संदीप शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो आप पेट कमिंग्स को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो आप शाकिब अल हसन को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो अगर करना चाहो फिर इधर आके आप मनीष पांडे को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो नितिश राणा को उठा सकते हो इधर से वृद्धमान साहा को ड्रॉप करके जोनी बेस्टो को उठा सकते हो और नीचे से राहुल त्रिपाठी को उठा सकते हो अगर आपको लगता है कि कोलकाता में दम है ठीक है अभी ये वाली जो टीम है ना ये थोड़ी कोलकाता फेवर की है आप ध्यान से देखो थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है कि कोलकाता के जीतने के चांस ज़्यादा हैं ठीक है थीक? पिछली वाली जो टीम बनाई थी वो सनराइजर्स हैदराबाद को फेवर कर रही थी बस इतने से चेंजेस होते हैं फिलहाल के लिए तो एक काम करता हूँ मैं वो ही अपनी सनराइज़र्स हैदराबाद वाली टीम बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को उन्हीं के जीतने के चांसेज थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं बाकी अपनी टीम में कोई भी चेंज होगा तो आपको पता है कि मैं आपको बता दूंगा उसकी चिंता मत करना फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेस के बारे में तो यार डेविड वॉर्नर मैंने आपको बताया एक शानदार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस हैं शुभमन गिल आपके लिए काफ़ी शानदार चॉइस हैं आंद्रे रशियल शाकिब अल हसन ये दोनों आपके लिए काफ़ी शानदार चॉइस हैं अगर जोनी बेस्टो खेलते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी शानदार चॉइस है अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए और केन विलियमसन को अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ शानदार चॉइस हैं ठीक है बस ये चॉइस है फ़िलहाल के लिए तो डेमो टीम है किसी को भी बना दो तो डेविड वॉर्नर को मैंने बनाया है कैप्टन और अपने शाकिब अल हसन को मैंने बनाया वाइस कैप्टन अगर इस टीम में इस पर्टिकुलर टीम में कोई भी चेंज होता है तो आपको फाइनल अपडेट के साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर ठीक है दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा अपना ध्यान रखिएगा